सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। बुधवार को सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल यानी गुरुवार दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सर्वे की नई तारीख और कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर भी कल फैसला आएगा। ज्ञानवापी इसे सिंगार गौरी व अन्य विग्रोह के सर्वे कराने और अधिवक्ता आयुक्त को हटाने के मामले में न्यायालय में दोनों पक्षों के वकील ने दलीलें पेश की। देखने के बाद एक डिसीजन जो है लेकर कल एक आदेश जो है कोर्ट पारित करेगा। दूसरा कि जो प्रतिवादी पक्ष है वो आप पर बार बार आरोप लगा रहा था कि आप लोग डिटेल में जवाब नहीं दाखिल कर रहे हैं कोर्ट में, क्या आज आप लोगों ने कोर्ट में सारे जो जवाब है जो उनके आरोप उसका बखूबी जवाब दाखिल किया? सब जवाब दिया जी, हम लोगों ने उनके जितने भी प्रार्थना पत्र थे सभी प्रार्थना पत्र के माकूल जवाब दिए हैं और उन्हीं की रोशनी में उसकी सुनवाई हुई। सर, जो कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की गई उसके उस पर हमने कल एतराज़ दाखिल कर दिया था अपना जवाब और उसकी सुनवाई कल हो गई थी। वो भी जो है ऑर्डर सुरक्षित है, वो भी कल ही होगा। वो भी कल ही नॉट हिंदू पक्ष, लेडीज का मामला है, नॉट ए हिंदू, हिंदुओं का मामला नहीं है। ये सिर्फ 5 लेडीज मुकदमा लेकर के आई हैं जो वादी हैं और ये किसी समुदाय से संबंधित नहीं मुकदमा है। लेकिन प्रतिवादी जो है आपके, तीसरे दिन सुनवाई रही, क्या कुछ कितना आश्वस्त है इसको लेकर सुनवाई, कल फैसला? दोनों पक्षों की जो बहस हुई जी, मैं अपनी संतुष्टि के लिए जिससे मैं पूर्ण संतुष्ट उस बात को कह सकता हूँ कि दोनों दिन की बहस के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आदेश हमारे फेवर में आएगा। माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय से प्रार्थना की गई थी कि एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय अपनी देखरेख में, यानी माननीय न्यायाधीश स्वयं उपस्थित होकर कार्रवाई को करें और संभवतः जहां तक मुझे विश्वास है ऐसा ही आदेश पारित होगा। जो कोर्ट कमिश्नर को उनके पक्षपात को लेकर आरोप लगा था उसको लेकर क्या जी, उसी के ऊपर पिछले 2 दिनों से बहस चल रही थी, उसी विषय का निस्तारण माननीय न्यायालय से करवाने के लिए निवेदन किया गया है और दोनों पक्षों की सहमति है कि माननीय न्यायालय स्वयं उपस्थित होकर कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाए। गुरु जी, जो लगातार 3 दिनों से कोर्ट में जो एक पकड़ लीजिए, पकड़ना हमारा कौन है, गर्म दिख रहा है क्योंकि मुद्दा ऐसा है इसकी वजह से इस समय माहौल गर्म चल रहा है, क्या आज क्या किस तरीके की दलीलें पेश हुई? आज जो विपक्ष द्वारा दलीलें रखी गई है निरर्थक है। आज उन दलीलों पर कहा जाए कि जो है मूल जो विषय था आज जिसपे बहस होनी थी, उन विषयों से विषयांतर होते हुए प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने पक्ष को रखा है, जबकि ये पक्ष जो है 26-4 पहले की ही थी और 26-4 2022 को सारी चीज़ें तय हो गई थी कि कमीशन होना है और कमीशन कंटिन्यू चल रहा है। कमीशन जो है 1.5 दिन लगभग 1.25 दिन चला है, उसको बाधित अब कैसे आप कैसे रोक सकते हैं? किसी प्रावधान के तहत नहीं है ये, कोई प्रावधान CPC में नहीं है। जब तक जो है कमीशन कंप्लीट ना हो तब तक आप उसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन प्रतिवादी आज भी फिर उसी पे अड़े हैं, जबकि हमारा तो ऑलरेडी माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है। सारे पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। जो कोर्ट कमिश्नर को या रहेंगे या इस पर क्या रहा, अब निर्णय कल न्यायालय को लेना है। हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, अभी जब कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो समझ लिया रिपोर्ट भी नहीं आई, बहुत जो है कमीशन अभी सुचारू रूप से आगे भी नहीं बढ़ा है, एक कदम भी नहीं, केवल बाहरी दीवारों को हम लोगों ने केवल जो है वीडियोग्राफी किया है। जब अभी कुछ हुआ ही नहीं तो उस पर रोक लगाने की बात, या वो निष्पक्ष नहीं है वाइस रैंक कमिश्नर, ये आपने कैसे तय कर लिया? ये तो रिपोर्ट जब कमिश्नर अधिवक्ता प्रस्तुत करते न्यायालय में तब आप रखते कि भाई ये सही इन्होंने किया कि गलत किया है, ये निष्पक्ष हैं वाइस हैं कि नहीं है, ये तो उस समय रिपोर्ट पेश करने के बाद की स्थिति थी, जिसको आज आप बाधित कर रहे हैं ये हमारे ख्याल से ये सरासर गलत है। कितने बजे का टाइम लेकर भी आप लोगों ने एक बिल्कुल हम लोगों ने कहा था कि रेड जोन के जो 18% जो भी अधिकारी 18% है, चाहे वो DM हो चाहे वो जिसके पास भी चाबी हो, उसको आप स्पष्ट आदेशित करें कि प्रवेश कराएं हम लोग को, अंदर का वीडियोग्राफी और कमीशन सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। कोर्ट अब आदेश सुरक्षित रखा है, आज सारे बहस सारी सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, अब कल आदेश के लिए न्यायालय ने अपने पास सुरक्षित रखा है और कल आदेश जो है निर्णय न्यायालय लेगा। क्या कार्यवाही हुई है आज कोर्ट में, क्या कार्यवाही हुई है सर?
दलीलें उनकी यही थी। नीचे करो माई एडवोकेट कमीशन लॉफुल नहीं है, इलीगल है। इस तरह की बेसलेस प्ली उन्होंने रेज करी, उसको मैंने आंसर करते हुए स्पष्ट किया है कि ये स्टेज वो नहीं है जिस पर इन चीजों को आंसर किया जाए, क्योंकि जो ऑर्डर ये ट्रायल कोर्ट पहले कर चुका है, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद अपील कर चुकी है, उसको इस स्टेज पर आकर के जब आधी एडवोकेट कमीशन भी पूरी हो चुकी है, एडवोकेट कमीशन स्टार्ट हो चुकी है, उसको ना चैलेंज किया जा सकता है और ना प्रोसीजरल लॉ मेरे को बाउंड करता है उसको सुनने के लिए, ना प्रोसीजरल लॉ कोर्ट को बाउंड करता है उसको एंटरटेन करने के लिए। तो सर आज जो एक नया पक्ष आया है जिसने एक कोर्ट में याचिका भी दायर की है, एक नया पक्ष आया है कोर्ट में, उसने एक नया याचिका दायर की है, उसमें कई तरह के सबूत पेश किए हैं कोर्ट में, आज उसकी भी सुनवाई हुई है क्या? देखिए ऐसा है, उसको लेकर के कोई नोटिस हमें अब तक सर्व नहीं किया गया है, उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। आज कोर्ट में क्या क्या विशेष रहा सर? कोर्ट के अंदर हुआ है वो यही है, जो ऑब्जेक्शन इनके द्वारा 7 तारीख को रेज किया गया था, उसके आर्गुमेंट्स दोनों पार्ट से कंक्लूड कर दी गई है, दोनों साइड से कंक्लूड कर दी गई है। कल 12 बजे ऑर्डर आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा एडवोकेट कमीशन कब कैसे कितने बजे किन किन अधिकारियों की मौजूदगी में किन के कोऑर्डिनेशन से कब होगी और तहखाना खोला जाएगा तोड़ा जाएगा या क्या होगा वो कल स्पष्ट। और कल जा रहा था कि क्या जो जज है वो खुद मौके पर मौजूद होंगे? जनाब हमने इसकी भी प्ली जनाब के सामने रेज की है और उसमें न्यायालय ने कहा है कि अगर आवश्यकता होगी, क्योंकि मामला गंभीर, हमने मेंशन किया कि मामला गंभीर है और डिपेंडेंट नंबर 4 एक के बाद एक अवरोध उत्पन्न करने का, हिंड्रेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, यदि न्यायालय स्वतः चलता है तो इस तरह के अनेक संदेह और विस्मय का इलाज हो जाएगा और हमें उपाय सहित एडवोकेट कमीशन की सटीक रिपोर्ट न्यायालय के सामने आ जाएगी, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मस्जिद तस्वीर के भीतर वीडियोग्राफी होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, 26/4 के आदेश इधर से उसको लेकर के यदि कुछ अस्पष्टता रह गई है वो कल के निर्णय में सामने आएगी। सर एक और बात बताइए, सर एक बात बताइए कि आज एक और पक्ष हिंदू ने कहा था कि वो हम याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट में जो वकील हैं कमिश्नर हैं उनको बदलने पे क्या कल फैसला आ सकता है, कुछ ऐसा रहेगा? बदलने के लिए जो फैसला है वो कल आ जाएगा, नो डाउट, अनडाउटेडली। तो क्या कल हम ये मान के चले कि कल कमिश्नर बदलेंगे, जो कोर्ट कमिश्नर होंगे वो क्या बदले जाएंगे, क्या हम ये मान के चले? ऐसे बदलने का कोई ग्राउंड मुस्लिम पक्ष इंतजामिया पक्ष सामने नहीं रख पाया। अच्छा, और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी परिस्थिति में एडवोकेट कमीशन बदला जी। आज क्या कार्यवाही हुई है कोर्ट रूम में? आज कोर्ट रूम में किस तरीके की कार्यवाही हुई? प्रदीप मेरा सहपाठी है, प्रदीप मेरा जी, इसलिए जज क्या कार्रवाई हुआ है आज माननीय न्यायालय न्यायालय के समक्ष आ जाइए आप बेटा कंप्लीट जज क्या कार्रवाई हुई है आज माननीय न्यायालय के समक्ष हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने सभी बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दे के आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसके निराकरण का समान निराकरण किया गया, उस विषय पर हमने जवाब दिया और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने आग्रह किया कि जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई अधूरी है उसको पूर्ण करें और वो हर हाल में संपादित कराएं जिससे यह कार्य पूर्ण हो जाए, अंजाम तक पहुंचे। सर्वे के लोग क्या होगा, सर्वे दोबारा फिर से होगा पूरा? निसंदेह माननीय न्यायाधीश महोदय कल अपना निर्णय सुरक्षित रखे हैं और वो कल ही तय होगा 12 बजे की इसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और माननीय न्यायाधीश महोदय से भी हमने निवेदन किया है कि वो अपने गरिमा में उपस्थिति में इस एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई का संपादन कराए। 6 तारीख को आप लोगों ने जो सर्वे किया था कि फोटोग्राफी जो आप लोगों ने अदालत समक्ष जमा किया उस पर क्या कुछ अभी कुछ सुनाया गया कि नहीं? नहीं, वो अभी रिजर्व रखी गई है, एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई चूंकि अधूरी रही तो अधूरी कार्रवाई को किसी प्रकार से न्यायालय के समक्ष रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो हमारे न्यायाधीश के पटल पे रखा जाएगा और फिर उस पे अब आपको क्या लगता है सक्षम हमारे न्यायाधीश महोदय इस पे अपना विषय रखेंगे। सर जैसे बदलने की बात की जा रही थी, उसका क्या बात? हिंदू पक्ष के अधिवक्ता होने के नाते वकील कमीशन को बदलने की बात, इसके पूर्व 2 एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हो चुके थे और उनको वो आए नहीं किन्हीं अदृश्य शक्तियों के दबाव के नाते, तो ये तय है कि अब कितना लोगों को बदला जाएगा, ये तो उनका निरंतर चलने वाला सिलसिला है सर, वो कभी समाप्त नहीं होगा। मदन जी ये बताइए, नीति है लटकाओ जैसा और अटकाओ। जैसा सर 2 दिन से तीखी बहस रही है कोर्ट में, क्या आज भी उसी तरीके से कोर्ट में तीखी बहस रही विपक्षी द्वारा? तथ्यों तर्कों और तेवरदार विषयों पर हम लोगों ने अपनी बात रखी, विपक्षी ने भी रखा
और हम अधिवक्ता की अपनी मर्यादा है, हम एडवोकेट ऑफ अफसर हैं, एडवोकेट ऑफ कोर्ट हैं, अफसर ऑफ कोर्ट हैं। इस नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि न्यायालय की कार्रवाई सुचारू रूप से और न्याय का कार्य संपादित हो सके। इस पूरे मामले में मदन जी, इस पूरे मामले में एक नया पक्ष आया है, उसने याचिका लगाई है।